जरा सोचिए, बीजेपी में इतने चीफ मिनिस्टर्स पड़े हैं, एमपी के हो गए, राजस्थान के, जो 15-15-20 साल से परफॉर्म कर रहे हैं। यही तो बात है, यही तो एक नए आदमी को योगी, जिनका प्रभुत्व केवल और केवल एक डिस्ट्रिक्ट तक था, उसको उठा के आरएसएस या बीजेपी अपना इतने सर पे क्यों बैठा हुए है, क्यों इतना महत्व दे रहा है। क्यों योगी जी ने दूसरे एस्टेब्लिश जो नेता है, मुख्यमंत्री है, उनको पीछे छोड़ दिया और पूरी पार्टी में जो है वो एक चेहरा बन गए, सबकी पहली पसंद बन गए। सबसे पहले एक एक के पास आते हैं। मित्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरफ एक मत कीजिए। सर रोज मुझे कोई ना कोई किसी पार्टी का प्रवक्ता बना बेटा हजूर बने, ये बात बन कर रहे हो देश की। ट्विटर इंडिया की ताजा रैंकिंग में योगी चौथे नंबर पर पहुंच गए। ट्विटर पर सीएम योगी के फॉलोअर्स की संख्या 2015 में जहां 2644 थी, वहीं अब यह आंकड़ा 31 लाख से ऊपर पहुंच चुका है। वहीं फेसबुक की बात करें तो 19 मार्च को शपथ लेने के दिन जहां 15,259 लोगों ने उनका पेज लाइक किया था, अब यह आंकड़ा 56 लाख को पार कर गया है। राजनेताओं की लिस्ट में पहले नंबर पर वैसे तो पीएम मोदी हैं, दूसरे नंबर पर राहुल गांधी, तीसरे नंबर पर अमित शाह और चौथे नंबर पर सीएम योगी हैं। लेकिन सीएम की लिस्ट में पहले नंबर पर पहुंच गए हैं योगी। हाल ही में बीजेपी की स्टार प्रचारक भूमिका ने योगी की लोकप्रियता के ग्राफ में 4 चांद लगा दिया है। एके मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर इस वक्त हमारे साथ हैं। एके, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहले एके के पास आते हैं। एके, एक बात शुरू में, सबसे पहले जब शो की शुरुआत कर रहे थे उस वक्त एक मेरी तरफ से एक बात कही जा रही थी कि सोशल मीडिया पर योगी जी छाए हुए हैं, लगातार उनकी संख्या बढ़ रही है, फैंस की संख्या लगातार बढ़ रही है और देश भर में अगर हस्तियों के हिसाब से बात करें तो चौथी हस्ती बन चुके हैं पॉलिटिकली अगर बात करें तो। और वैसे अगर सीएम के तौर पर देखें तो पहली जितने भी सीएम हैं उसमें सबसे पहली पसंद योगी जी लोगों के लिए बन चुके हैं। अब थोड़ा सा मैं दूसरे सेंस में बात करना चाह रहा हूँ। अगर एक कॉमन सेंस की बात करें तो सोशल मीडिया की के बारे में जो जानकारी रखते हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है, उनको अच्छा लगेगा इस बात को, चलिए ठीक है योगी जी के फैंस बढ़ रहे हैं, मोदी जी के फैंस बढ़ रहे हैं, राहुल जी के फैंस बढ़ रहे हैं, अमित शाह के फैंस बढ़ रहे हैं। लेकिन लोकसभा का चुनाव होना है एक, और उस लिहाज से मात्र 2 साल के अंदर जहां पर 2,000-4,000 फैंस हुआ करते थे योगी जी के, आज लाखों में पहुँच गए, है ना। ट्विटर पर तो 56-57 लाख तक पहुँच गए। थोड़ा सा इसका एक एक्सपैंड करके इस नज़रिए को हम समझना चाह रहे हैं। आपका क्वेश्चन बड़ा साइंटिफिक है और पहले फेज में जो मैं एनालिसिस करूंगा साइंटिफिक करूंगा, न कि नेताओं की तरह या पॉलिटिकल कि कौन सक्सेस हुआ, कौन चुनाव जीतेगा, कौन हारेगा। देखिए, आप 20 साल पहले 25 साल पहले देखिए कौन कितना बड़ा फिल्म का हीरो है, ये होता था कितनी टिकटें बिकी, कितने बार कितने लोग देखने गए। लेकिन आज जो भी सेलिब्रिटी है उनका एक पैरामीटर ये भी है देखने का कि फेसबुक पे, ट्विटर पे उनके कितने फॉलोअर हैं। साइंस के इस एज में सोशल मीडिया एक ऐसा पैरामीटर बन के उभरा है जिसने पॉपुलैरिटी को नापने के सारे मापदंड तौर तरीकों को पीछे छोड़ दिया, बदल दिया है। इसको मानना पड़ेगा, विपक्षी पार्टियां माने या ना माने, आंख बंद कर ले, बात दूसरी है। अब रही बात योगी की, देखिए इमर्जेंस ऑफ ए ट्रू लीडर या लीडरशिप स्टाइल, ये चीज आपको योगी से मिलेगी। योगी को मैं कई मामलों में कर्मयोगी भी मानता हूं, भले ही विकास कम हो या ज्यादा हो।
योगी जी आगे बढ़ने के लिए इन्होंने कभी किसी नेता के पैर नहीं पकड़े। आप याद करिए, इनकी अपनी हिंदू वाहिनी होती थी, पहले ये बीजेपी में नहीं होते थे, इन्होंने अपने आप से संघर्ष करके आगे बढ़े, और यही रीजन था कि इनकी प्रतिभा और दबाव को देखते हुए लखनऊ में जब चुनाव हुए थे यूपी के, तो मुख्यमंत्री की रेस में कई लोग थे, लेकिन दबाव में आके पूरी बीजेपी आरएसएस को निर्णय लेना पड़ा कि योगी को जो है इग्नोर नहीं किया जा सकता है। उसके बाद आप और ये देखिए, जब आदमी कर्मनिष्ठ होता है और हर पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखता है, तो उसकी ख्याति चारों तरफ फैलती है और सोशल मीडिया इसी को परिलक्षित कर रही है। मेरा पूछने का मतलब हुआ, क्या इसे इस खबर को इस तरीके से देखा जाए कि कॉमन सेंस वाली खबर है, इस तरह की जानकारी हर लोगों को हो जाती है, सोशल मीडिया पर हम आप सभी होते हैं, या पॉलिटिकली इसे रिच खबर माना जाए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, या फिर एक चीज और समझ लें, या फिर बीजेपी के लिए एक माइलस्टोन की तरह इस वक्त योगी उभरते हुए नजर आ रहे हैं। इसको केवल रिच नहीं, इसको बहुत स्ट्रेटेजिकली रिच जो है आप खबर मानिए। देखिए, इस खबर से क्या होगा, एक तो पब्लिक में इन्फ्लुएंस बहुत तेजी से बढ़ेगा, लोग और मतलब बोलेंगे हाँ भाई योगी के अंदर दम है, वो लीडर है, क्योंकि जिसके बारे में 100 लोग बोल रहे हैं तो हम आप भी उसके बारे में हमारा परसेप्शन बनेगा। दूसरा सबसे स्ट्रेटेजिक रिच इसलिए है कि जो विरोधी दल के जो नेता है जिनके पास चेहरा नहीं है, कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री का तो कोई चेहरा ही नहीं है यूपी में, समाजवादी पार्टी के पास जो है वो सुसुप्त अवस्था में बैठे हुए हैं, बसपा की बहन जी भी एक बहुत अच्छी नेत्री है लेकिन एकदम सोई हुई है, तो उनका मनोबल भी देखिए, ये वॉर है पूरा का पूरा जो इलेक्शन होता है या पॉलिटिक्स, तो उनके मनोबल को डाउन करने के लिए भी एक बहुत बड़ा हथियार है जो बीजेपी यूज कर रही है। तीसरा क्या है, मे बी पॉसिबल हो सकता है कि आरएसएस या बीजेपी कुछ ऐसा डिसाइड करे 2019 के इलेक्शन में या कालांतर में कि भाई मोदी जी का अब विकल्प कौन है, तो यहाँ पे भी इस चीज को देखा जा रहा है, योगी है। जी के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं कि विकल्प के रूप में तैयार किया जा रहा है। मैं समझ गया, मैं देखिए विकल्प वाले सवाल को सुनना नहीं चाहते या सुनकर नहीं, मैं कह रहा हूँ सीएम नंबर वन योगी है तो यहाँ पर कोई दूसरा विकल्प की बात ही नहीं है। अरे सर, पीएम के विकल्प की बात हो रही है, सीएम की नहीं हो रही है, मोदी जी भी पहले सीएम नंबर वन। एक मिनट, एक मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर इस वक्त हमारे साथ है, जितेंद्र चौधरी जी कांग्रेस के नेता, आप फखरुल हसन जी इस वक्त हैं समाजवादी पार्टी के नेता, कुमार अशोक पांडे जी, एक कॉमन सेंस ज्यादा लगता है। देखिए बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए एक सोशल साइंटिफिक एक रिलेशन है इस चर्चा को इसीलिए किया जा रहा है, कॉमन सेंस ज्यादा लगता, पॉलिटिकल कम लगता, लेकिन यही बात है ना कि अगर कोई कॉमन सेंस वाली खबरें अगर आम लोगों के अंदर ज्यादा हो जाए, मतलब हावी हो जाए, एक मतलब बहुत अच्छे तरीके से अगर वो खबरें उसके अंदर उसके जहन में बैठना शुरू हो जाए किसी नेता के लिए, तो ऐसा क्या मानना ठीक रहेगा कि उस एक बड़ा मूवमेंट होने की तैयारी है, एक बड़े इमरजेंस की तैयारी है, और शायद यही इमरजेंस योगी के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है सोशल मीडिया के जरिए, क्या इस पैरामीटर पर बात करना सही लगता है? कि गौरी जी आपकी बात और आपने जो अभी एनालिसिस की वो एकदम सही है। देखिए जरा सोचिए, बीजेपी में इतने चीफ मिनिस्टर्स पड़े हैं, एमपी के हो गए, राजस्थान के, जो 15-20 साल से परफॉर्म कर रहे हैं, यही तो बात है, यही तो एक नए आदमी को योगी जिनका प्रभुत्व केवल और केवल एक डिस्ट्रिक्ट तक था, उसको उठा के आरएसएस या बीजेपी अपना इतने सर पे क्यों बैठा हुए है, क्यों इतना महत्व दे रहा है, क्यों योगी जी ने दूसरे एस्टेब्लिश जो नेता है, मुख्यमंत्री है, उनको पीछे छोड़ दिया और पूरी पार्टी में जो है वो एक चेहरा बन गए, सबकी पहली पसंद बन गए। देखिए होता क्या है, इसमें पहला कंट्रीब्यूशन या जो मतलब मैं बधाई देना चाहूंगा, श्रेय देना चाहूंगा, वो योगी जी का अपना खुद का अपना इंडिविजुअल मैनेजमेंट है। उनके अंदर क्षमता थी, प्रतिभा थी, जब वो बीजेपी से नहीं जुड़े थे तब भी वो पॉपुलर थे। बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो अपने विधानसभा क्षेत्र या शहर तक ही जिंदगी भर लिमिटेड रह जाते हैं लेकिन पूरे देश में वो पॉपुलर नहीं हो पाते हैं। योगी ने इन सारी चीजों को तोड़ दिया, तो पहला श्रेय खुद योगी जी को जाता है बीजेपी के जुड़ने से पहले। अब बीजेपी या आरएसएस क्यों कर रही है, देखिए कुछ पर्टिकुलर ट्रेट या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए एक लीडरशिप स्टाइल के लिए, वही आदमी आगे बढ़ पाता है। कोशिश सब करते हैं लेकिन पब्लिक सबको अपना नेता नहीं मानती है, बिल्कुल उनका परसेप्शन अपने नेता की तरह वो नहीं बनाती है, वो रिजेक्ट कर देती है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बोलते हैं हम बहुत अच्छे हैं लेकिन पब्लिक उनको एज ए लीडर उनको अपना मान ही नहीं रही है। योगी में ये सारी खूबियां है और बीजेपी और आरएसएस वालों ने इन खूबियों को देखा और योगी को क्यों एडिशनल सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं। पहला रीजन, एक तो योगी पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं तो उनके ऊपर पीछे के कार्यकाल का कोई दाग धब्बा या फेल्योर नहीं है, बिल्कुल, यानी विपक्ष को कोई भी उंगली या कीचड़ उठाने का मौका नहीं मिलेगा। हसन जी तो उठा रहे हैं। दूसरा, नहीं नहीं वो विपक्ष अपना काम करेगा, लॉजिकल अगर वो उठा रहे हैं तो वो निष्प्रभावी है, बीजेपी वाले इसका जवाब बहुत अच्छे तरीके से। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जरा इंटरनल पॉलिटिक्स देखिए,
योगी जी को इतना आगे बढ़ाने का उसके पीछे एक रीजन है। देखिए होता क्या है, जब वार होता है ना तो जितने सिपा सलार आपके पास होते हैं उतना ही आपको फायदा होता है। तो योगी भले ही 2019 में पीएम कैंडिडेट के लिए डिक्लेयर ना हो, लेकिन टॉप इन्फ्लुएंसियर पूरे एज ए टॉप इन्फ्लुएंसर पूरे इंडिया में यूज किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत हो गई है। कर्नाटका में ये गए, एमपी में ये गए, विधानसभा चुनाव में जिस तरह से रैलियां होंगी। मतदाताओं को अट्रैक्ट करने के दो तरीके होते हैं, एक तो जैसे टॉप लीडर है मोदी जी, अपने आप में ब्रांड बने हुए हैं, अब इन्फ्लुएंसर कौन चाहिए? इन्फ्लुएंसर के रूप में योगी जी को पूरे इंडिया में घुमा रहे हैं, क्यों नहीं वसुंधरा राजे जी को घुमा रहे हैं, चौहान जी को घुमा, एमपी वगैरह के जो, या आप देखिए रमन साहब को इन्होंने क्यों नहीं पूरे इंडिया में घुमाया? क्योंकि पीछे कुछ ना कुछ उनसे गलतियां हुई हैं, या पब्लिक परसेप्चुअल वैल्यू जो है उतना उनका नहीं है जितना योगी जी का है। बिल्कुल, मैं देखिए एक इस बात को और बेहतर तरीके समझने की कोशिश करूंगा। और आप ये देखिए कि भारत की सांस्कृतिक विरासत और धरोहर को भी उन्होंने अक्षुण रखने का और उसको मजबूत करने का भी काम साथ ही साथ में किया, और साथ साथ में उन्होंने विकास का भी कार्य किया, वो दोनों चीजों पर एक साथ आगे बढ़े। सवाल ये नहीं है सर, हमारी सांस्कृतिक विरासत राजस्थान एमपी के मुख्यमंत्रियों ने क्या विकास नहीं किया सर, आप ये बोलना चाहते हैं? चाहे विकास की बात रही हो सर, राजस्थान के मुख्यमंत्री उतने अच्छे तरीके से नहीं बोलती है, वो प्रभावी नहीं है, एमपी के नहीं है। सवाल यह है कि तीन तीन मुख्यमंत्री जो 20 साल से परफॉर्म कर रहे हैं उनको छोड़कर योगी जी के ऊपर आप लोग क्यों भरोसा कर रहे हैं सर? सवाल यह है, योगी को क्यों प्रिफर कर रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान योगी जी भरोसे के लायक हैं, योगी जी भरोसे के लायक हैं। अच्छा शिवराज सिंह चौहान नहीं है, विश्वास कर रही है आप ये बोलना चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान और उसी में ऐसा वो सीधे सीधे बात करें, जिसको पिया माने वो सुहागिन, उसमें कोई इफ और बट नहीं है, जिसको पिया माने वो सुहागिन, जिसको जनता जानना चाह रही है, एक धुआं भी यही है सर, स्पष्ट अपनी बात रखते हैं, बेबाक राय रखते हैं, जो दूसरे सीएम हैं उनको दिया। मैंने कहा कि सांस्कृतिक विरासत को शिवराज सिंह चौहान हो गए, वसुंधरा राजे हो गई, रमन सिंह हो गए, जो 20 साल से लगातार प्रधानमंत्री नहीं है कि ऐसा नहीं, जनता एक्सेप्ट कर रही है। मैं सिर्फ सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं, सब अपनी अपनी जगह सब अपनी अपनी जगह नेता है, सबका अपना सम्मान है, और योगी जी का अपना कुमार साहब देखिए सवाल मेरा बड़ा सीधा रहता है, जो योगी जी का आप उसे बड़ा घुमा घुमा कर स्पष्टता है, आप सीधे बोले ना हिंदुत्व, कुमार साहब सीधे बोलने में क्या दिक्कत है? जो उनका सीधे बोलिए, आप सीधे बोलिए, किसकी पूजा होती है? योगी जी के अंदर राजा अपने देश में पूजा जाता है, लीडर की तरह ऐसे हैं कि राजा अपने देश में पूजा जाता है, कि कोई लीडर कम परफॉर्म कर रहा है, हर जगह पूजे जाते हैं। देखिए अपने देश में कुमार साहब रुकिए, कुमार साहब एक मिनट रुकिए, कुमार साहब थोड़ा सा रुकेंगे, जो योगी कुमार साहब थोड़ा सा रुकेंगे, आप त्यागी है, उसकी सर्वत्र पूजा होती है, विद्वान की पूजा होती है, योगी सीएम नंबर वन है, फखरुल हसन जी, और वह पूरे स्पष्ट है। फखरुल हसन जी जब किसी लीडर का इमरजेंसी होता है, एक मिनट रुके कुमार साहब पूछना चाहता हूं, जब अखिलेश यादव सीएम बने थे तो उनका भी एक तरह से बड़ा इमरजेंस था, मैं उस वक्त उस चुनाव को बहुत अच्छे से कवर भी किया था, जब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से जब सीएम बने थे, मुलायम सिंह यादव का बड़ा सपोर्ट था, बाद में परिवारवाद के आरोप लगे, बाद में परिवार किस तरह से देखिए खंडित हो गया आप लोगों का। मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ कि इमरजेंस अगर किसी लीडर का होता है तो उसको मेंटेन रखना सबसे बड़ी कवायद होती है। हसन साहब अगर पीएम मोदी गुजरात के सीएम थे, इसके बाद पीएम बने, उनका भी एक बड़ा इमरजेंस था, अचानक अवतरित हुए और तमाम तरह का जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड था बहुत ही बेहतरीन था, उसके बल पर देश की जनता ने उन्हें पीएम चुना, और उसी तरह का ट्रैक रिकॉर्ड योगी जी का है, उस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड अखिलेश यादव का नहीं रहा, लेकिन फिर भी उनका इमरजेंस हुआ, और यही वजह था कि समाजवादी पार्टी ने इसको मेंटेन नहीं रख पाया। इस प्रदेश में जहां पांच पांच मुख्यमंत्री हो, वहां पे आप किसी एक मुख्यमंत्री का आकलन क्यों कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में पांच मुख्यमंत्री हैं, आप लोग 45 सीट का आकलन कीजिए। मैं कहना चाहता हूं साइंटिफिक आकलन करिए, आपकी पार्टी यूपी इलेक्शन में 250 से 45 सीट पे आ गई, जबकि दो तो पार्टी थी फूलपुर कहलाना, तो आकलन को आप फूलपुर कहलाना, अगर आप आकलन कर रहे हैं तो 200 सीटों के लॉस से आप क्या आकलन करेंगे सर?
आकलन करिए ना, एप्पल टू एप्पल पैरामीटर। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? मित्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह बिहेव मत कीजिए। सर रोज मुझे कोई किसी पार्टी का प्रवक्ता हजूर का बेटा हजूर बने, ये आप आकलन कर रहे हो इस देश की कि हजूर का बेटा हजूर बने। वो दिग्गज राजनीतिक विश्लेषक जो होते हैं मजदूर का बेटा ही हजूर बना है। आप मजदूर जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है करेंगे तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा। चौधरी साहब चौधरी साहब ये बात सही नहीं है। चलिए ठीक है आसन साहब, मैं समझ हजूर का बेटा हजूर बने, परिवारवादी पार्टी ने हजूर का बेटा हजूर बनाया लेकिन मजदूर का बेटा हजूर बने ऐसी भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद की बहुत लंबी लिस्ट है। इसमें परिवारवाद की बात करना भारतीय जनता पार्टी के मुंह से शोभा नहीं देता है। एक बड़ी लंबी लिस्ट है पूरे देश में परिवारवाद की भारतीय जनता पार्टी की, पूरा देश जान रहा है। डेवलप किया आपने एक छोटे से घटक और तीन जनपदों तक सीमित कर दिया आप पूरी पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को वाकओवर क्यों दे रहे हैं? उनका प्यासा सबके लिए बोल रहा हूं, यहां योगी परिवारवाद के लिए बोल रहा हूं। योगी ने संघर्ष से हासिल किया है, योगी के संघर्ष ने उनको सफलता दिलाई है। ठीक है, सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है। योगी के संघर्ष से सफलता दिलाई उनको, वो मजदूर के बेटे थे हजूर बने हैं, मजदूर का बेटा हजूर बने। इन मुहावरों से काम नहीं चलेगा, इन मुहावरों से काम नहीं चलेगा। कुमार जितेंद्र चौधरी जी, एक बात जो परिवारवाद को लेकर के उठी, ठीक है, समाजवादी पार्टी क्यों कहेगी कि मेरी पार्टी में परिवारवाद को तवज्जो दी जाती, कांग्रेस वाले भी क्यों कहेंगे, लेकिन देखिए दिखता तो है। अगर आप हमें झूठा भी कह देंगे, झूठा भी साबित कर देंगे, तब भी आम जनता को तो पता चलेगा कि परिवारवाद किस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के ऊपर हावी है। थोड़ा समय देखिए, मैं मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। बीजेपी के अंदर क्यों भारतीय जनता पार्टी में नहीं है परिवारवाद? क्या कांग्रेस है ना, एक संत की तरह, एक कह सकते हैं कि सन्यासी की तरह, जिनका पूरी तरह से बिहेवियर है, उनका जीवन है, वो उत्तर प्रदेश के सीएम बन गए। एक लोकतंत्र तो दिखता है ना बीजेपी के अंदर। क्या इस तरह के पैटर्न को लागू करने के लिए कांग्रेस को नहीं करना चाहिए? कांग्रेस को नहीं लगता है कि हाँ ये तो बहुत अच्छा है? अगर कोई अगर कर्मठ है, कोई अगर अच्छा काम कर रहा है, मेहनती है, बड़ा विजन है, तो पीएम बन सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन आपके यहाँ तो इस तरह की चीजें है ही नहीं। नहीं नहीं, ये आरोप पहले से भी लगते आ रहे हैं, विपक्ष लगाता रहता है हमारे पास। मैं बता दूं, हिंदुस्तान में तो हर घर में परिवारवाद है। मुझे कोई घर ऐसा बता दीजिए जिसमें परिवारवाद ना हो। मेरे बच्चे की प्रॉपर्टी मेरे बच्चे को न जाए, पड़ोसी को चली जाए, ऐसा ही पार्टी। देखो सुनो, राजस्थान वसुंधरा राजे कल बच्चे राजनीति में है, और आपके उनके रमन सिंह का बच्चा राजनीति में है, और आपके उत्तराखंड में ठाकुर साहब है, उनके बच्चे राजनीति में। परिवारवाद कहाँ नहीं है? बीजेपी में नहीं है क्या? देखो ये सब चीज़ें जो है हर जगह चलती है, और परिवारवाद तो पूरे देश में है, पार्टियों में नहीं, पूरे देश में ही है। देखिए मान लिया ना अभी इन्होंने कि नेता लोग क्या कर रहे हैं, पार्टियां क्या कर रही हैं, ये विधायक का बेटा ही विधायक बनेगा, नया किसी आदमी को टिकट नहीं मिलेगा। नहीं, इसे लोग बीजेपी वाले बधाई करे ना, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, कोई बनता है, ऐसा कहीं नहीं है। परिवारतंत्र है, जो भी माने तो सब जगह चलता है। प्रधानमंत्री देश का बना नहीं, पीछे सोनिया गांधी जब जाती बन जाती, उन्होंने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा कर और मनमोहन सिंह ने दूसरा प्रधानमंत्री बनाया। पुराना परिवारवाद होता तो पुराने ट्रैक पे कुमार साहब एक अहम सवाल आपसे पूछना जरूरी था। कुमार साहब सुने, थोड़ा सा मनोहर जो चौधरी जी रुक जा, चौधरी जी कुमार साहब नहीं बैठाते हैं, कुमार साहब स्वीकार नहीं किया। एक मिनट रुके चौधरी साहब रुके, थोड़ा सा एक मिनट चौधरी साहब रुके आप थोड़ा सा। कुमार साहब सुने कि नीचता के लिए पात्रता की आवश्यकता नहीं होती है, कुमार साहब नीचता के लिए पात्रता की आवश्यकता नहीं होती है। जिन शब्दों का प्रयोग आप कर रहे हैं ऐसे शब्दों से बचना चाहिए आपको। शब्द बोल सकता हूँ आपके बारे में कठोर। अरे पांडे साहब, आप जिन शब्दों का बोल रहे हैं गलत शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। मैंने आपके लिए गलत नहीं बोला, ना आपकी पार्टी के लिए मैंने गलत बोला है। आप शब्दों का बौखलाए हुए हैं, इसीलिए बौखलाए हुए हैं,
नहीं है, वो कुछ नहीं दिखा सकता है। कांग्रेस ही होना चाहिए, आपका जाने का समय आ गया है। बहराइच में आपका कोई भी बोल सकता है, कांग्रेस ही होना चाहिए। एक चीज ये बताइए योगी जी के अंदर ऐसे क्या खास चीजें हैं जो कि आपने अपने तीन जो 15 साल से सीएम है उनको पीछे छोड़ के बीजेपी ने योगी जी को आगे कर दिया? ये तो बड़ा अन्याय हुआ सर। शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और रमन सिंह के जो पार्टी की सेवा कर रहे हैं, कैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सर, आप अपनी पार्टी का उत्तर दीजिए ना। हम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नारे लगाए हैं, ये नफरत आपको नहीं लगता कि वसुंधरा राजे की चिंता से ऐसा हुआ? कुमार साहब आप मुझे ये बताइए, कुमार अशोक पांडे जी की सारी राजनीतिक पार्टियां मंदिर पांडे की बात करने लगी मंदिर में कीर्तन करने लगी। पांडे जी थोड़ा सा सुन लीजिए, सवाल तो सुनिए पांडे जी, सवाल तो सुनिए। काटने लगा कोई अपना गोत्र बताने लगा पांडे जी, सवाल तो सुनिए रहने दीजिए। ऐसा क्या हुआ पांडे जी? पांडे के लिए कुछ करने की जरूरत होती है पांडे साहब जी ने किया? पांडे जी थोड़ा सवाल सुन ले, सवाल देखिए, ठीक है ठीक है, बहुत देर से हम लोग किस बात के लिए मोदी कर रहे हैं, किस बात के लिए भैया? सवाल तो सुनिए तो दीजिए पांडे जी, सवाल तो सुनिए। सवाल यह है कि ठीक है, सोशल मीडिया पर योगी जी छाए हुए हैं, जमीनी लेवल पर एक्शन मोड में योगी जी दिख रहे हैं, लेकिन तमाम तरह की घटनाएं नहीं रुक रही है अशोक पांडे जी, इसका भी तो जवाब दीजिए थोड़ा सा। लॉ एंड ऑर्डर पर देखिए सवाल उठ रहे हैं, अलग अलग जगहों से जिस तरह की खबरें आती हैं, है ना, अब बुलंदशहर उससे पहले तमाम जगहों की जो खबरें, देखिए बहुत ईमानदारी के साथ जवाब दीजिए इस पर। जवाब जब तक सही सही नहीं आएगा तब तक कुछ भी कर लीजिए, सोशल मीडिया पर चाहे 25 और 50 लाख 1 करोड़ आपके फॉलोअर्स हो जाएंगे उससे क्या। भारतीय जनता पार्टी के राज में एक भारतीय जनता पार्टी के 4.5 साल के शासन में आतंकवाद नहीं हुआ, एक भी आतंकी घटना नहीं है। और जो कांग्रेस पार्टी टोटल सिर्फ सर क्या बात कर रहे हैं आप, एक आप बोलोगे एक भी आतंकवाद हुआ नहीं हुई है, क्या बात कर रहे हैं? असर क्या होगा, कितने जवान पूरे देश भर में मार रहे हैं, आप टीवी चैनल बैठ के बात करोगे एक भी जानकारी नहीं है। और जहां तक जो भ्रष्टाचार अभी अभी देखिए पंजाब में जो है कौन गुरु है, धर्म गुरु पूरी तरह से गिरावट सर, आई है। लाखा की हद होती है सर, पूरे तौर पे गिरे हैं। और अभी पंजाब में एक जो धर्म गुरु है जो कांग्रेस हिंदू समाज फटा था वो क्यों हो गया सर? आज दंगा रहे हैं तो आपकी गवर्नमेंट है ना, पहले बुलंद शहर में दंगा हुआ है, बहराइच में, मैं बता सुनिए मेरी बात, बहराइच में तुम्हारा बीजेपी है एक भी आतंकी घटना नहीं है चलाता है आपको पंजाब में, जो पंजाब में अभी मैं आपको शर्म नहीं आती है? व्यक्तिगत घटना पे कार्रवाई की गई है सर, व्यक्तिगत कार्रवाई की गई है, इसकी बात करिए कार्रवाई पंजाब में बांटो राज करने की बात की, अंग्रेजों ने दो पति मरा है अपने पूरे देश को, पति मरा शहीद हुआ है क्या उसका पति वापस ला सकते हो? पात्रता की जरूरत है, बाप मरा है क्या उसका बेटा वापस ला सकते हो? देश को बताइए सर, पंजाब अशोक पांडे जी थोड़ा सा रुकेंगे, मंदिर जाना पड़ रहा है, फखरुल हसन जी के पास चलते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हसन साहब, हम कहीं भी जाएं हसन साहब समाजवादी पार्टी का पोस्टर बॉय अखिलेश यादव, मैं अगर गलत कह रहा हूं तो मुझे पहले बता रहे थे कि मुसलमान है, एक मिनट अशोक पांडे जी के मुसलमानों की बात करते हैं, अशोक पांडे जी की समाजवादी करते रहे, समाजवादी आपको आईना, समाजवादी पार्टी के पोस्टर बॉय अखिलेश यादव, सबसे ज्यादा अखिलेश यादव के पास
एक मिनट चौधरी साहब, सवाल चौधरी साहब, सफलता साधनों से एक मिनट अशोक पांडे जी रुकिए, सफलता साधना से मिलती है, अशोक पांडे जी थोड़ा सा रुकिए, मिलती साधना से मिलती है, इसको साथ भी लीजिए हसन जी, साल पे क्यों आ गए? मैं चौधरी साहब को बता, डेढ़ से पौने दो साल बीजेपी की सरकार हो गई है ना, इसके बाद जो बड़ी बड़ी चुनौतियां पार्टी के अंदर आई, समाजवादी पार्टी के अंदर, और जिस तरह से योगी जी का इमरजेंस हो रहा है, अगर आप ना माने या जैसे भी माने, सोशल मीडिया के पैरामीटर को माने या जैसे भी माने, या जन जन का नेता ना माने, तब भी जो चीजें निकल कर आ रही है उसके हिसाब से मैं बात करना चाह रहा हूँ। आप लोगों के लिए चुनौतियां और बढ़ी हैं, समाजवादी पार्टी को संगठनात्मक लेवल पर और मजबूत करने के लिए बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीजें और सारा फेवर अब योगी की तरफ पूरी तरह से खिसकता जा रहा है, आप लोग का जनाधार घटता जा रहा है, क्या इस तरह की बात है कोई किसी पैरामीटर पर? आप मेरी बात सही लग रही है आपको? देखिए मैं बताऊं कि संगठन के जहां तक बात है, समाजवादी पार्टी अपना संगठन को बहुत अच्छी तरीके से, नीचे से हमने जो काम किया है, डेढ़ साल से हम संगठन पे ही काम कर रहे थे, हम लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हैं। जहां तक बात आप पोस्टर बॉय माननीय अखिलेश यादव जी की कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि जो चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में, उन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है और आसपास हार नहीं हुई है। तो ये जो बौखलाहट है, ये जो चीजें भारतीय जनता पार्टी के संगठन में नजर आ रही है, आप हमसे कहते हैं कि हम लोग की गिरावट आ रही है, मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी क्यों उन्हें छोड़ के भाग रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सांसद क्या ध्यान नहीं दिया? भारतीय जनता पार्टी की सांसद 40 साल इनके सहयोगी, इनकी पार्टी के नेता, ये सपा में वक्ता से पूछना चाहता हूँ, जनता पार्टी वो डूबता हुआ जहाज है जिसमें से चूहे निकल के भाग रहे हैं, और मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जहाज 2019 में डूब जाएगा। ये जितने भी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बना ले, चाहे सात मुख्यमंत्री हो, इधर उधर कलाकारी है, पांडे जी आपके उधर कलाकारी है, सैनिक शांत आ गए हैं, समाज समझता है, आपने कहा कि शांत की दवा से रहती होनी चाहिए, एक बहुत कम शब्दों में, बहुत कम शब्दों में, जिस नेता के हाथ जिस संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी थी, वही नेता समाजवादी पार्टी से अलग हो गए। एक तो फिर किस पैरामीटर पर बात कर रहे हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, बहुत कम शब्दों में, चूंकि समय खत्म हो गया। देखिए क्या है, इंडिविजुअली देखा जाए तो उभरते हुए नेताओं में यूपी में देखा जाए तो अखिलेश यादव को मैं बहुत अच्छा मानता हूं। इन्होंने अतीक अहमद को स्टेज से हटा दिया था कि हम ऐसे लोगों को नहीं रखेंगे। अपने आप में ये एक बहुत ही मजबूत इरादे वाली बात होती है। हुआ क्या, अखिलेश यादव जी लाचार कहां हो गए, उतना उनको अनुभव नहीं था, और जब घर वाले ही टूटना शुरू हो गए तो वो कमजोर हो गए। अगर ये घर वालों ने इनको साथ दिया होता, मे बी पॉसिबल कि बाहर की पार्टियों ने भी ये साजिश रची हो, कुछ भी होता है, ये होता है पॉलिटिक्स में, लेकिन अगर ये पूरी समाजवादी एक साथ रही होती और अखिलेश यादव को ट्रू वे में लीडर मान के आगे बनी होती ना, तो अखिलेश यादव एज ए लीडर की तरफ बहुत ही ज्यादा अपीलिंग उनका है। लेकिन अब ठीक है, हार जीत होनी है, लोग षड्यंत्र करते हैं, बाहर के लोग अंदर के लोग भी करते हैं, तो दो तीन फांक में जो बटना, मुलायम सिंह यादव कुछ और बोल रहे हैं, ये दो तीन लोगों ने जो अखिलेश यादव को छोड़ दिया ना, अदरवाइज उनके अंदर भी मुझे गजब की प्रतिभा दिखती है नए उभरते हुए अगर नेताओं में देखा जाए तो मैं ये बोलूंगा कि अखिलेश यादव भी कम से कम इस परेशानी या इस दिक्कत से उभरेंगे, और डेफिनेटली उनका भी कैरियर मुझे काफी अच्छा लगता है अगर नए उभरते हुए नेताओं में, ठीक है, न्यू जनरेशन लीडरशिप देखा जाए तो। शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आए, वक्त आपने निकाला जितेंद्र चौधरी जी।